ये देखिए, ये हैं स्पॉटेड डियर्स। देखिए शुरुआत में हमने वाइल्ड लाइफ दिखा दी, वो अब लड़की हो गया यार। ये देखिए दोस्तों, ये हैं स्पॉटेड डियर्स, पूरा ग्रुप है दोस्तों। देखिए ये है स्पॉटेड डियर, ये गया और पूरा ग्रुप है, पता नहीं क्यों। ये देखिए दोस्तों, दिख रही है आपको, ये सब हिरन हिरन है स्पॉटेड डियर्स। और भी दिखाते हैं आपको, बहुत सारे होंगे यहाँ, पूरा झुंड मिलता है सैकड़ों के हिसाब से। चलिए दो, तो दोस्तों अपनी एंट्री हो चुकी है जंगल के अंदर, और ये देखिए दूर दूर तक अंधेरा। देखो 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 हिरन हिरन क्या है, हिरन हिरन वो के अंदर। दोस्तों देखिए वाइल्ड लाइफ बहुत है, वाइल्ड लाइफ बहुत है, बहुत है वाइल्ड लाइफ। शुरुआत हो चुकी है, वो देखिए दोस्तों बहुत सारे डियर्स भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये हैं स्पॉटेड डियर्स। देखिए शुरुआत में हमने वाइल्ड लाइफ दिखा दी, वाओ ये लड़की हो गया यार। ये देखिए दोस्तों, ये हैं स्पॉटेड डियर्स, पूरा ग्रुप है और सब फीमेल्स हैं। देखिए इतना आउट ऑफ फोकस क्यों जा रहा है कैमरा। चलो ये अंदर चले गए, अभी तो दोस्तों बहुत ज़्यादा दिखाना है आपको और सफ़र है लंबा, तो बने रहे हमारे ब्लॉग के साथ। अब मिलेगा आपको असली वाइल्ड लाइफ और असली जंगल का मज़ा, वो भी नाइट ड्राइव में, तो जुड़े रहे हमारी वीडियो के साथ। निराश हैं उनके लिए खुशखबरी है, देख सकते हैं निराश ना। बिल्कुल स्टार्टिंग में ही वाइल्ड लाइफ मिल गई है दोस्तों यार। बिल्कुल, जब एंट्री हुई है हमारी जंगल के अंदर, खतरनाक जंगल के अंदर, वही वाइल्ड लाइफ मिल चुकी है। आंखें देखी थी उसकी कैसी चमक रही थी, मैं तो डर गया, मैंने कहा यार स्टार्टिंग में बाघ मिल गया क्या हमारे यार। ये मिला वही मिलेगा, बीच बीच में आउट ऑफ फोकस हो गया था ना कैमरा, वो रोड जो क्रॉस करके गया उस पर आउट ऑफ फोकस हो गया, थोड़ा आया थोड़ा चला गया। दिखा के रहेंगे हम पूरे मूड में। आस पास देखते रहना यार, कहीं घात लगा के बैठा हो। हाँ। ऐसी फितरत है उसकी तो बिल्कुल छिप जाता है बिल्कुल। टाइगर की फितरत यही है कि जब उसका मन होगा ना कि मैं आपको दिखूं तभी दिखेगा जी, अदरवाइज नहीं दिखेगा। आपके बगल में बैठा होगा, जैसे ये पत्थर है लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे भी घात लगा के बैठ जाएगा, पता नहीं चलेगा आपको कि क्या है, पत्थर है या बाघ है। इसकी फितरत है जी छिपने की। तो ये देखिए, थोड़ा देखते रहेंगे क्या क्या मिलने वाला है। ये आपके लिए भी सरप्राइज़ है, हमारे लिए भी सरप्राइज़ है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ तो सडनली सामने आती है, जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ, और हमारी पूरी कोशिश रहती है। ड्राइव कर रहे हैं आज? हाँ यार, बस ब्लर ना हो, कैमरे में यही दिक्कत हो जाती है, थोड़ा सा हाथ हिलता ही ब्लर। दोस्तों आने वाला है बहुत मजा आपको आज, मजा बांधना है भाई, पूरे मूड में है टाइगर दिखाने के भाई। वो एंट्री जब हुई थी, अभी जो आंखें देखी थी वो आई थी क्या कैमरे में, पता चला? अरे पता नहीं, आउट ऑफ फोकस हो गया था कैमरा, उसकी आंखें मुझे देखने लायक थी यार, मजा ही आ गया था। अब ये नहीं, उस टाइम शायद ऑफ था शायद, ये भी मैं कह रहा हूँ कि जब हिरन की आंखें ऐसी थी और बाघ की आंखें कैसी होंगी यार। आंखें कौन मिला सकता उससे, आंखें मिलाना तो कार में बैठे हो लेकिन धड़कन बढ़ जाएगी। और क्या, उसको देख के मेरे अल्फाज ऊपर नीचे हो गए भाई। देखते रहना लेफ्ट राइट, जब आगे से निकला था सांबर, ओए होए वो तो तगड़े सीन था। तो जब वहाँ पहुंचेंगे घर, तो लाइट तो उनको बढ़िया पड़ ली है भाई, तुम्हारी साइड साइड में पड़ ली है। घात भी पड़ ली आज, घात लगाया हुआ होगा तो तब भी दिख जाएगा आज। लेपर्ड मिले, बाघ मिले, कुछ भी मिले, और हिरन भी मिलेगा तो मेरे ख्याल से दिख जाएगा। देखो ठीक ठाक दिख रहा है, देखो ये साइड से ये हो जाएगा, काम हो जाएगा तो क्या बात कर रहे हो ये, बस ठीक है। कैमरे ये देखो, इंतजाम पूरा है जी, हम सेफ हैं इस टाइम कार में, तो आप भी कार में रहे, ऐसे नहीं कि बाइक से आ जाए। अगर कार में है तो जो घर में है अपना घर में सुरक्षित है, और नाइट ड्राइव का लुफ्त उठाएं। हम कहीं भी ना आपको हिरन दिखाएंगे आगे। हाँ। और क्या, जिसमें हमें पूरी विश्वास है, क्योंकि हमें पता है कहाँ पर क्या चीज मिलेगी, हमें उस चीज का स्पॉटेड रहता है कि हाँ भाई यहाँ पर ये चीज मिलने वाली है। तो हम आपसे अभी दावा करते हैं कि हम आपको अभी हिरन दिखाने वाले हैं, स्पॉटेड डियर है कुछ।
दोस्तों ये बहुत ज़्यादा कोर एरिया है टाइगर और एलिफेंट के लिए, तो देख रहे हैं। इतना तो है यार, यहाँ पे बहुत मिलते हैं भाई, पर एक बार तो यहाँ इधर से निकला था तस्कर यहाँ से। चलो चलो यहाँ को इधर देख लेते हैं, राइट साइड पे देखता हूँ थोड़ा। चलो चलो आगे चलते हैं। ये झाड़ियाँ बड़ी खतरनाक है भाई साहब। यार टस्कर हमें कम से कम 4 बार मिल चुका दोस्तों, लेकिन उसकी वीडियो नहीं बना पाए। हाँ जो ग्रुप था उसकी वीडियो है वो दिखाएंगे आपको, जो अभी हम जहाँ सर्च कर रहे थे। देखो स्पॉटेड डियर जाते हुए, रहने दे बाइक के रहने दे। तो हमने कहा था दिखाएंगे वो भी विश्वास के साथ, रोड क्रॉस करते हुए गए। अभी देखिए तो दोस्तों देखिए ये पेड़ काफी झुका हुआ है, हो सकता है दोस्तों आज बहुत सारी वाइल्ड लाइफ मिल रही है देखने को, और मेरा हाथ हिलने में लगे, ये थोड़ा आउट ऑफ फोकस हो जा रहा है। ये देखिए स्पॉटेड डियर है, यही तो क्यूटनेस है इनकी। चले गया, कोई बात नहीं, आ गया, दिख गया होगा। अभी तो बहुत सारा दिखने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रुकना नहीं है, तो दोस्तों बिल्कुल खतरनाक एरिया में आ गए हैं, जहाँ पर टाइगर का पूरा कोर एरिया है और बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है वहाँ, तो वो जगह आने वाली है, तो बने रहे व्लॉग के साथ। अच्छा जो हमने चीतल के लिए अभी कहा था कि हम 100% दिखाएंगे हमारी जगह से पहले। अरे 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 पूरा ग्रुप है भाई, ग्रुप है जी। कहाँ है, साइड में दिखाऊंगा तब बनाना। तो दोस्तों देखिए ये है स्पॉटेड डियर, ये गया और पूरा ग्रुप है। तो दोस्तों अभी आपने देखा, अबे कितनी रोशनी होगा पीछे को, पीछे बहुत रोशनी हो रही भाई, पीछे वो रिसॉर्ट है ना, हिरन है। तो देखिए पूरा ग्रासलैंड है दोस्तों, यहाँ पे हिरन हिरन भरा हुआ है। चांदनी रात हो, आज चांदनी रात है दोस्तों, तो यार चांदनी रात में पता नहीं यार देखो मिलता नहीं मिलता टाइगर, ज्यादा डार्क अंधेरे में रहता है ना वो। बढ़िया लग रहा है हिरन, बहुत सारे हिरन है दोस्तों, अभी दिखा नहीं सकते, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मैं जुरासिक पार्क में हूँ बिल्कुल। बकरी वो देखो आगे क्या जा रहा। तो दोस्तों देखिए ये है पूरा खतरनाक एरिया, यहाँ पर जब भी पीछे था वो ग्रासलैंड था, तो वहाँ पे पूरा एलिफेंट टेरिटरी है खतरनाक। तो दोस्तों देख रहे हैं बिल्कुल घंघोर अंधेरा है आगे, क्या मिल जाए कुछ पता नहीं है, पर जहाँ तक की लाइट है वहाँ तक दिख रहा है। सीधा पे हिरन होंगे यार, हिरन दिख रहे हैं, हिरन हिरन हिरन। अब तो जगह हमें पता है कहाँ का क्या क्या मिलेगा, अभी दिखाते हैं। तो हमारे दोस्तों को वाइल्ड लाइफ दिखाई जाए। अरे एक वो है राइट हैंड साइड पे है, कहाँ है, बहुत है, लेटी है। दोस्तों देखिए हाथ रोक के कर भाई, हिरन पे दिखाओ भाई, ये है। मैं जूम करूँगा तो अंधेरा होगा यार, ये भी तो लफड़ा है, ये उठा पता नहीं क्यों। ये देखिए दोस्तों दिख रही है आपको, ये सब हिरन हिरन हैं स्पॉटेड डियर्स, और भी दिखाते हैं आपको, बहुत सारे होंगे यहाँ, पूरा झुंड मिलता है सैकड़ों के हिसाब से। ये तो खाने में मस्त हैं यार, जूम करने पे थोड़ा वोड हो जाता है डार्क। मैं कैप्चर करा था तो मोहन के पास था, वो अब मस्त सोया पड़ा, ऐसा खाना भी सोया हुआ। अच्छा ऐसा सोया पड़ा था, मैंने वाह देखते हैं दोस्तों। हाँ देख क्या है, क्या क्या यहाँ पे ना, काफ़ी लोग मैंने देखे कि गाड़ी जो है अंदर ले आते हैं, ये वो गलत है। तो ये उस लिए भी है, हाथी के लिए भी है, हाथी के लिए भी है। नीचे है डिगुली, हाँ जो बस बस आराम से। तो पीछे साइड जो अभी हमारे रोड गया है वो तो साइड को रास्ता गया है, एलिफेंट कॉरिडोर है पूरा, रिवर है साइड को, बांगा जाला रिवर और कोसी रिवर जाके मिलती है पूरी। आराम से रेस्ट कर रहे हैं सब, और हिरन जो है अपना चांदनी रात में मस्त होके चढ़ते हुए चढ़ते हैं और बैठे बैठे खा रहे हैं, कोई नहीं उनको खाने देते हैं, हम जरा किसी और चीज़ की तलाश में आए तो वो देखते हैं। आज देखते हैं क्या मिलता है, एलिफेंट मिलेगा या टाइगर मिलेगा या लेपर्ड।
आज तो मजा आ गया भाई, वाइल्ड लाइफ ही वाइल्ड लाइफ मिल रही है देखने को, और ये गड्ढे भी आ गए हैं। गड्ढों का अलग मजा है जी सफारी में, गड्ढों में वाइल्ड लाइफ। हाँ नहीं नहीं, एक होता ना जो एडवेंचर होता है वो ऐसी रोड पर ही मिलता है, थोड़ा सा उबड़ खाबड़ हो एडवेंचर उन्हीं रोड पर बनता है। क्या है मेरे ये तो हुआ है यार, बिल्कुल लेकिन जो आराम से बैठे हैं ना तो वो घेरे में बैठे हैं, बस यही है फुर्तीले भी तो बहुत होते हैं। कहाँ पर वो उधर ठिकोली है शायद, यहाँ सब तेंदुआ का पूरा टेरिटरी है। यहाँ पे एक बार हमने लेपर्ड देखा था, पीछे जामुन का पेड़ था, वहाँ मस्त हो गए अपना शिकार खा रहा था, रात की बात है वो। और ये देखिए पूरा पहाड़ ऊपर तक का डेंजर जोन। अच्छा मैंने सुना बीच में जो पहाड़ में हाथी चढ़ने लग गए, क्या बात हो, सही हो, बीच में खबर आई थी कि बीच में का? हाँ, चढ़ने लग गए, बताओ। हाथी चढ़ता है पहाड़ पे, चढ़ता है और इतनी तेजी से उतरता भी है, क्योंकि लोग गलत समझे कि हाथी पहाड़ नहीं चलता है ना। हाँ ये बात भी है, जानकारी नहीं होगी किसी को, क्योंकि जब मैंने खुद देखी वीडियो तो पहाड़ पे चढ़ते हुए दिख रहे हाथी, दो हाथी बताओ तेजी से। देखो ये हाथी का पूरा काम है, पूरा पेड़ गिरा रखा है, क्यों, क्योंकि ये सब पूरा रोहिणी के पेड़ हैं जिसे हाथी चाव से खाता है। हमने काफ़ी व्लॉग्स में बताया अपने सब्सक्राइबर्स को, और खाता क्यों है इस बार, अब थोड़ा सा गर्मी भी स्टार्ट हो चुकी है तो पेट में, हाँ पेट में ठंडा, सही बात है, गणेश भाई ने सही बात बोली है। इनको 100 रुपये नगद इनाम, वो भी घर जाके दूंगा। जो अपनी बॉडी हीट है उसको मेनटेन करने के लिए अपना खाता है, पेट में रहती है ना पत्तियाँ इसकी, तो ठंडक रहती है हाथी को। देख रहे हो कैसे जंगलात के बोर्ड है, खतरनाक मज़ा बांध दिया जी। तो दोस्तों ऐसा मज़ा हमारे साथ ही आ सकता है, पूरी वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है, पूरी वाइल्ड लाइफ भी देखने को मिलेगी, सही बात कही। फ्री फ्री फ्री, अबे मजाक छोड़ो, अब ये है देखो खतरनाक जंगल दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा घना जंगल है, सीधे हाथ पे भी पूरा हमें देखो पेड़ों ने घेर रखा है, और लेफ्ट हैंड पे भी बहुत ज़्यादा पेड़ों ने घेर रखा है। सुस्त मत बोलो यार, पत्ते हिलने, अच्छा वो हवा से, हवा से देखते हैं ना, कहीं पर भी उन पता आ गया ना दिक्कत हो जाएगी, सबसे ज्यादा दिक्कत है हाथी की। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि पूरी रियल वाइल्ड लाइफ दिखाई जाए, और कोई कुछ भी फेक नहीं होता हमारा दोस्तों, साफ बात। खैर अभी तक किसी ने ऐसा कहा भी नहीं है, क्योंकि हमने कभी ऐसा कुछ बनाया भी नहीं है। स्लो करके देख लेना, पता चलेगा कि हम यहाँ से मोड़ रहे हैं, हाथी सामने से आ जाए। हाँ दूर से तो दिख जाएगा, मोड़ पे कैसे देखेंगे, वो मोड़ पे अक्सर खड़ा हो जाता है, बहुत ज्यादा चलाक होता है, टस्कर एलिफेंट चलाक होता है, वेट करता है। हाँ तो आगे तक निगाह मार के चलेंगे हम। बाबरे कितना खतरनाक घना जंगल हो रहा है, गजब मजा आ गया। तो गुरुजी टाइम क्या हो रहा है इस टाइम? टाइम हमारा हो रहा है, इस पे घड़ी दिखाओ, मेरी घड़ी दिखाऊं मैं? बिल्कुल देख सकते हैं रात के, बहुत ज्यादा तेज घड़ी हो गई भाई। हाँ 11 बज गया, 11 बज गया दोस्तों, खुशखबरी खुशखबरी है। जितनी रात उतना अंधेरा, जितना अंधेरा टाइगर के उतने चांस दिखने के। अभी तो हमारी शुरुआत है जी, अभी तो पूरा जंगल बाकी है, और धीरे धीरे हम चल रहे हैं दहशत की ओर, दहशत ही दहशत है हमारे आसपास। तो दोस्तों देखिए ये वो रोड है, यहाँ पर हमें काफी बार मॉनिटर लिजर्ड मिली है, जिसे बिस कपड़ा भी बोलते हैं, और अच्छा उससे बड़ी अभी तक मिली नहीं है। हाँ उससे सबसे पहली बार जो मिली थी, मिली तो है हमें बाकी बाद में भी, लेकिन उससे बड़ी नहीं मिली अभी तक। हाँ यार वो काफी बड़ी बोली थी लिजर्ड, उसका नाम मॉनिटर ही क्यों, क्लास के मॉनिटर ही क्या है? ना ना क्लास के मॉनिटर नहीं है, दिखने में मॉनिटर मतलब बड़ी है। हाँ मतलब एक होती पहले वाले मॉनिटर आते ना बड़े पेट वाले, उसके नाम पे लिया गया, वो भी बहुत बड़े होते थे मॉनिटर। नहीं इसमें सबसे बड़ी वो होती है ना, जिनकी छिपकली की प्रजाति जो है, मतलब लिजर्ड की प्रजाति में सबसे बड़ी वो होती है कोमोडो ड्रैगन। हाँ कोमोडो ड्रैगन, हाँ सबसे बड़ा होता है वो, तो भाई साहब भैंस, मतलब भैंस तक निकल जाता है ऐसी, उसका जहर बहुत खतरनाक होता है, वो तो ऐसा बाइट करके ना कोई भी मतलब उसका शिकार होगा उसका काट के छोड़ देगा, वैसे तो पूरी कोशिश करेगा पकड़ने की कि इसको मैं छोड़ू ना, और वैसे उसकी पूरी कोशिश रहती है कि मैं उसे बाइट कर दूँ
उसकी लार में जो उसका सलाइवा होता है ना, उतना जहर होता है उसमें कि उसे पूरा भरोसा है कि ये कुछ देर में या कुछ घंटे में एक घंटे में चित हो जाएगी, अपना आराम से बैठ के खाता है, ऐसा होता है इनकी फितरत। हाँ हमने दिखाई तो है कितनी बड़ी थी वो मॉनिटर लिजर्ड, दिन में आए थे, लेकिन हम वो वीडियो देख के इसमें अटैच कर देंगे अगर दिखेगी तो। बड़ी मेहनत करने वाला काम है दोस्तों, वाइल्ड लाइफ देखना कोई आसान काम नहीं है, इसके लिए काफ़ी मेहनत लगती है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है टीम वर्क। टीम वर्क के बिना कुछ नहीं हो सकता। अब आप देख सकते हैं एक वीडियो बना रहा है, एक ड्राइविंग पे फोकस है और मैं तो देख ही रहा हूँ यार टॉर्च से कभी कुछ निगरानी का काम वॉचमैन जैसा कि हमारे इंट्रोड्यूस हो चुका है थोड़ी देर पहले ही। लेकिन टीम वर्क भाई हमारे जरूरी महत्वपूर्ण जो है, हमारे मेंबर है बहुत तगड़े मेंबर। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बिना देखे काम चलेगा नहीं, दिखाना बहुत जरूरी है, तो टीम वर्क बहुत जरूरी है। आप चाहे सिंगल हैंड पे अगर कुछ हो तो बहुत मुश्किल है, टीम वर्क इसमें चाहिए होता है और बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि हमने डायरेक्ट आए और हमें वाइल्ड लाइफ मिल गई और सीधे दिखा दिया, काफ़ी देर आपको पता ही है सर्च करना पड़ता है, हम चल रहे हैं रास्ते में कोई मिल गया तो हमने दिखा दिया, नहीं मिला तो कई बार ऐसी भी हुआ है हमारे साथ कि कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन आते तो हैं ही। लेकिन आज हम आए हैं स्पेशल बाघ के लिए क्योंकि टाइम हो रहा है 11, बाघ का टाइम है पूरा, चल रहे हैं हम, चलो। तो ये धक तो है ही अभी भी, धक तक तो रहेगी यार, वो आंखें मेरे देख के तो दिमाग खराब हो गया। बाघ को देखने ऐसी मौज नहीं कि हाँ ये एंजॉय चल रहा पार्टी चल रही है, ये एंजॉय के लिए बिल्कुल नहीं। आप अगर नाइट ड्राइव के लिए आ भी रहे हैं तो अपनी सेफ्टी से आए, फोर व्हीलर से आए, घने जंगल में बिल्कुल भी टू व्हीलर अलाउड होती नहीं है और अगर आपको बिल्कुल आना भी नहीं है और फोर व्हीलर से भी आ रहे हैं तो उतरना नहीं है कहीं पर भी, ये नहीं है आपने अपनी कार खड़ी करी और आप उतर गए, ठीक है। आप देख रहे हैं वाइल्ड लाइफ, इंजॉय करिए, देखिए सब वाइल्ड लाइफ लवर हैं तो आपको वाइल्ड लाइफ लवर हम बना देंगे। दोस्तों देख रहे हैं आप सामने दहशत, यह है पानी की जगह, पानी की जगह मतलब आसपास लेपर्ड या टाइगर होगा। खैर अभी तक कोई कॉल सुनाई नहीं दिया हमें क्योंकि काफ़ी रिलैक्स दिख रहे थे हमें डियर्स, लेकिन वो उस जगह की बात है ग्रासलैंड की, और हम जा रहे हैं अब और ज़्यादा घने जंगल की ओर जो कि जुड़ता है सीतामढ़ी से। बिल्कुल तो ये बोर्ड पर लिखा था कि वाहन को रोकना मना है और वाहन से उतरना सख्त मना है दोस्तों, ये अपनी अपनी सेफ्टी के लिए है। क्या है लगा था ना ऐसा यहाँ पे आंखें चमकी हुई जैसे, कहाँ पे पत्ते आ जा रहे हैं अब तो थोड़ा सा वो हो गया ना, बारिश भी हो गई तो पेड़ पौधे तो पड़ेंगे। चलो चलो आगे चलो, नहीं है कुछ छोड़ो, ये ना चांदनी रात में ना मुझे आंखें चमकती भी दिखी, पन्नी भी हो सकती है यार, पन्नी भी चमक जाती है, लोग पन्नी फेंक देते हैं ना। हाँ गलत है थोड़ा सा ना, ये थोड़ा है भाई, पेड़ टूटे हुए हैं भाई, ध्यान रखना। बाप रे ड्राइव कर रहे हैं, मैं आज ड्राइव कर नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा बैक करने में प्रॉब्लम होती है और जंगल में अगर इक्कड़ हाथी अगर आपको मिल गया तो भाई दौड़ा देता है वो अच्छे से, बैक करना भी भारी पड़ जाती है दोस्तों। और ये रोड ऐसी हो रही है अभी, सीधे हाथ पे भी गड्ढे हैं, उल्टे हाथ पे गड्ढे हैं, बस यही बहुत पूरे जिगजैग मोड में हो रही है। हाँ जो अंदर आने की सोच रहे हैं ना वो एक्सपर्ट ड्राइवर ही आया, सही बात, एक बात सीधे सीधी बात है भैया। वाइल्ड लाइफ में तो भाई ड्राइविंग तो अच्छी होनी ही चाहिए, ऐसा नहीं है कोई भी नौसिखिया आएगा तो उसको तो दिक्कत होनी है, बाकी आप इंजॉय करिए, ए टू ए टूरिज्म है तो देखो, पेड़ टूटे हुए बहुत है यार, ये झड़े हुए क्यों हैं, कोई आया था क्या ऊपर, लेपर्ड तो नहीं ऊपर भी देख लेना ना बैठा हो, लेपर्ड भी तो वो तो ऊपर ही बैठेगा। हाँ क्योंकि हाँ वो जो पेड़ के बीच थे ना वो गिरे हुए थे रोड पर, बीच खाया क्यों, अबे मतलब बैठा होगा टहनी पे। हाँ ये तो है, हाँ थोड़ा लॉजिक कमजोर है ना, क्या करें समझना पड़ता है। ये सब बकान के पेड़ है देखो साइड में पूरा, और जो आप ये बैठे देख रहे हैं साइड चढ़ कर यहाँ भी बैठ जाता है, हाँ ये देख रहे हैं, देख रहे हैं इधर और इधर होगा बिल्कुल, कलर बिल्कुल पहचान नहीं पाओगे करके, हाँ भाई क्या चीज है बिल्कुल, शिकारी है भाई साहब। हाँ, ये तो है। भले है लेकिन माहिर है बहुत हर चीज में, शिकारी में सॉरी इंसान से सबसे ज्यादा शक्ति होती है उसकी सुनने की, दूर से पहचान लेता, 5 किलोमीटर से पहचान लेता अपने शिकार को,
और तुम भी तो सूंघ लोगे जब उसके मुंह की जो स्मेल होगी आसपास जो हवा होता है तो इतनी गंदी स्मेल होती है बाप रे मांस सड़ गया हो ऐसा लगता है मांस सड़ा हुआ बिल्कुल जी हाँ दोस्तों बहुत ज़्यादा वैसे ही पता लग जाएगा बहुत ज़्यादा नज़दीक होगा तो अगर आपके विंडो ओपन होगी तो हमने तो वैसे शीशे बंद कर रखे हैं तो ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा लेकिन फिर भी स्मेल जो होती है वो आ जाती है ऊपर देखिए चांदनी रात वाओ जो भी नए हैं सब्सक्राइब करके ही जाना दोस्तों यहाँ पे नाइट ड्राइव आपको मिलती रहती है और आगे चीतल निकल सकता है कुछ भी निकल सकता है इकड़ हाथी हो सकता है या फिर मिल जाएगा आपको बाघ भाई डर तो लग रहा है क्या करें आज वही उसी जगह मिल जाएगा जहाँ मिला था अपने लोगों को पिछली बार जहाँ मिला था ना वही मिल जाएगा वही सबसे घना जंगल है ना उस साइड को तो पानी पीने के लिए गया था लेकिन वो थोड़ा सा उमस वाला दिन था आज यार चांदनी रात है देखो मुश्किल से होगा कोई बात नहीं कभी मिला नहीं है बहुत बड़ा है उम्मीद पर दुनिया का है नया पत्थर है डरा मत यार ऐसा लग रहा है कछुआ भी तो ऐसी होता है बड़ा मासूम सा होता है यार मेरा भी है बड़े बड़े घटना आती है उसमें अच्छा ना नहीं होता तुमसे तू तो पानी में रहता है छोड़ो बच्चे उभयचरू है तो फिर नहाने धोने के लिए मना कर रखा पानी में भी रहते हैं पानी में भी रहते हैं पानी के बाहर भी जैसा मगरमच्छ हो गए वही है मेरे की तरह सीन है पानी में रहते हैं पानी पीते नहीं है हाँ तो रास्ते में पड़ता है क्रोकोडाइल पॉइंट जो कि मरचुला में है वाला तो बहुत बड़ा था है। अच्छा देखा था तो गिली हुई रोड साइड में रोड गिली थी इसका मतलब कुछ कुछ था फिर यूरिन हो सकता है मतलब किसी भी जानवर का भाई देख के चलियो खतरो है वो मतलब यहाँ से मतलब प्रूफ गया मतलब आती तो अंदर से लगेगा तो अच्छा है यार देखिए देखते रहना कि एकदम से निकल के आ जाए हमने बाघ मिलना चाहिए हाथी तो थोड़ा बहुत कमी सही रहे मैं हाथी को बिल्कुल नेगलेक्ट करना चाहूंगा यार बिल्कुल आपको पता है जंगल में दहशत होती है हाथी की सही बात बाघ से आता है इस मामले में हाथी खतरनाक है देखो रास्ते में बीज पड़े हुए हैं कोई ना कोई या तो हो सकता है पेड़ पर बंदर हो तो कूद रहे हो तो झड़ाए बीज सब कुछ दोस्तों देख के चलना पड़ता है आसपास का माहौल कि पेड़ गिरे हुए हैं या नहीं है पेड़ तोड़े हुए हैं एक तो जैसे कुछ नेचुरली अपना वहाँ थोड़ा ये देखो जैसे ये सब तोड़ रखे हैं ये सब हाथी की देन है जब आप जंगल के डेप्थ में चलते हैं तो आपको अपने नाक कान आंखें सब खुली रखनी पड़ती हैं तभी आपको बाघ दिख सकता है वरना बाघ ऐसी चीज है कि जो जल्दी दिखेगी नहीं यूनिक चीज है वो छिपके रहता है ना अपने आप को उसके जो नेचर होता है वो शाय क्वालिटी का होता है बिल्कुल बस छुपना चाहता है वो आने नहीं चाहता है कि लोग उनके देखें वरना वो सिंगल क्यों रहता सही बात है वो सिंगल रहना पसंद करता है वो